Yes, yesterday we had started with this chapter number 13, that is surface area and volume. First two questions of the exercise we have discussed. Now let's start with the third question. Third question is, a toy is in the form of the cone of radius 3.5, which is mounted on a hemisphere of same radius. दोनों का रेडियस सेम है. द टोटल हाइट इज 15.5. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. इट्स रेडियस इज 3.5. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. ये जो टॉय है दैट इज कंपोज ऑफ द टू फिगर, वन इज कोन एंड अनदर फिगर इज अनदर वन इज हेमिस्फीयर. सो इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सर्फेस एरिया मीन्स द पोर्शन दैट यू कैन टच फ्रॉम आउटसाइड. तो एक आएगा इसका कर्व सर्फेस एरिया, क्योंकि टॉय जो है वो ज्वाइन है. कोन इज ऑलरेडी ज्वाइंट विद द हेमिस्फीयर, यू कांट टच द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द टॉय. सो द पोर्शन दैट यू कैन टच इज द आउटर सर्फेस एरिया ऑफ दिस टॉय. तो वॉट यू विल टेक इज, you will write the radius is 3.5 and the total height of the toy is 15.5. yesterday we had discussed that if you take the center point of this, it have same distance everywhere, so its radius is 3.5. so height of toy is 15.5, height of cone is 15.5 minus 3.5, that is 12. ठीक है. Now we want total surface area of toy, that is curved surface area of cone plus curved surface area of this hemisphere, curved surface area of हेमिस्फीयर. एक्चुअली हम ले टोटल रहे हैं, बट आप जिस पोर्शन को टच कर सकते हो दैट यू विल कंसीडर ओनली. सो दैट इज पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का 2πr² एंड आउट ऑफ ऑल दीज थिंग योर स्लांट हाइट एल इज मिसिंग. सो वॉट यू विल टेक, यू विल फाइंड द स्लांट हाइट बाय यूजिंग द फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर. द हाइट ऑफ द कोन इज 12, रेडियस इज 3.5. So make the square of this, that is 144 plus 35 square is 12.25. Add them and get the square root. Few 9th D class students are there in the class, kindly leave the class. I'm having next 4th period in your class. Leave the class bache. Check in your group. I have already forwarded this message. In 9th class, I am having 4th period. Find the square root of this. What you will get? When you add it, what you will get? 156.25. You will find the square root of this by long division method. Get the square root and tell me the square root of this term. Hurry up. I'm waiting. We have got slant height as 12.5. Now put the values. Take pi r common. You are left with pi plus 2r. Is it okay? Now pi is, it's not given. So you will take 22/7. Radius is 3.5. Slant height is 12.5. Radius is again 3.5. So after removing decimal, you will get 5. This is your 2. This will be your 11. And from here you will get 7
you will get 7 plus 12.5, that is 19.5. So you can multiply it. Is it so? Chiang? Okay. 11 से मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बताया था. 5 सेम, 1 सेम, इन दोनों का सम 14, 1 कैरी, इन दोनों का सम 10, 0, 1 कैरी, 2145. 2145 डेसिमल आई हैव रिटन. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज दिस. नोट इट डाउन. Done. Question number four is a cubical block, इस तरह से क्यूब है, इसके ऊपर ना यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, इस तरह से, ठीक है, 3D शेप है. आप ये देख रहे हो, जब आप, अगर आप इसका ऊपर वाला सरफेस ऑब्जर्व करते हो, एक क्यूब है, उसके ऊपर आपने एक बाउल रख दिया, सर्कुलर शेप में एक बाउल रख दिया आपने. अब आपको ये पता है जो इसका ऊपर वाला फेस है, टॉप फेस ऑफ द क्यूब, अगर आप इसके ऊपर कोई बाउल रखोगे वो इस तरह से होगा, ये उसका बॉटम होगा और यहां से वो इसके ऊपर ऐसे रख दिया. आप ये देख रहे हो कि जब आप इसको ऐसे रखते हो तो ये जो साइड वाले फेसेस हैं, ये जगह एम्प्टी रह जाएगी, ठीक है. तो आपने क्या करना है, आपने टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है. एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक बाउल रख दिया, साइड वाला स्पेस में जो फोर कॉर्नर्स है ये एम्प्टी रह जाएंगे. अब आपने क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. एक ये बताना है कि इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा. जो क्यूब है ना, इसकी साइड 7 है, तो सारी जगह 7 आएगा, ये भी साइड 7 है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर. अब डायमीटर अगर ये है तो रेडियस 7/2 होगा, दैट यू विल टेक इन द फ्रैक्शन. नाउ व्हाट यू वांट इज, यू वांट द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना. अगेन सेम, टोटल सरफेस एरिया मीन्स द पोर्शन ऑफ द वेसल और व्हाट सो एवर थिंग पोर्शन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जिस सॉलिड की ये बात कर रहे हैं, जिसको आप टच कर सकते हो. आप ये फोर कॉर्नर्स को टच कर सकते हो, ऊपर वाले सर्कुलर पोर्शन को टच कर सकते हो और इसकी सारी साइड्स को टच कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस टॉप वन. वो वाला टॉप जो हेमिस्फीयर और इस टॉप फेस के अंदर सर्कुलर पोर्शन कवर है, उसको छोड़ के आप सारा कुछ काउंट कर सकते हो. एक मिनट आप वेट करो, मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ. एक मिनट वेट करो जरा.
what you will do here is you will find the total surface area of the solid, means you will take the total surface area of this cube, that is 6a square. You will exclude this circular portion. ये आप हटा दोगे यहाँ से, ये जो इसके नीचे कवर हो रहा है ये आप इसे रिमूव कर दोगे, मीन्स पाई आर स्क्वायर आप माइनस कर दोगे, प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको आप टच कर रहे हो, दैट इज 2 पाई आर. एनी डाउट? मैम, हम इसमें क्यूब का कर्व सरफेस एरिया लेके और एक एरिया ऑफ बॉटम एक ही बात वाली है साइड का, एक ही बात है. लेकिन एक और बात सुनो, आपने कर्व सरफेस एरिया लिया 4a स्क्वायर, यस, बॉटम का लिया a स्क्वायर, टोटल 5a स्क्वायर हो गया. तो जो ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स रह गए वो कहां से लाओगे? उसके लिए क्या करोगे? ऊपर वाले फेस a स्क्वायर में से सर्कुलर पोर्शन को माइनस करोगे, तो 5a स्क्वायर अगर आप लेते हो 5a स्क्वायर, उसमें ऊपर वाला पोर्शन ऐड माइनस सर्कुलर पोर्शन, तो इन दोनों को प्लस करके 6a स्क्वायर ही तो आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. Now look here, you will solve it, plus minus minus pi r square. Now put the values, side is 7, pi is 22/7, radius is 7/2, 77/2. Solve kar lo, 9, 6 are 54, 24 plus 5, 29. Isko solve kar lo, kya aega? 35/0.5 aega. इसको ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर. यस, टेल मी द आंसर व्हाट यू विल बी गेटिंग. यस चियांग, मैम 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, yes, next, fifth question. A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. A cube shape mein solid hai. Aapne ice cream brick dekhi hai. आइसक्रीम ब्रिक में से जब स्कूप कट करते हैं तो आपने देखा है कि सर्कुलर पोर्शन में कट होता है, साइड वाली बाउंड्री खाली रह जाती है. तो इसमें से क्या करना है, ये सर्कुलर पोर्शन और इसके अंदर से एक ऐसे हेमिस्फीयर कट कर लिया ऐसे, ठीक है, ये कट कर लिया. अब जो इससे हेमिस्फीयर इसका जो डायमीटर है वो एल है, तो रेडियस एल बाय टू हो जाएगा. अगर डायमीटर एल है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L by 2 हो जाएगा. तो इसका रेडियस L by 2 का आपने एक हेमिस्फीयर कट कर लिया. अगर इसका रेडियस L by 2 है तो इसकी हाइट भी L by 2 होगी. तो अब आपको कहता है जो सॉलिड रिमेनिंग है उसका एरिया निकालो, जिस पोर्शन को आप टच कर सकते हो. बाहर वाले सारे पोर्शंस को टच कर सकते हो. तो हमने क्या करना है, देखो इधर वही है सेम, पूरा सॉलिड है 6a स्क्वायर, उसमें से एक सर्कल ऊपर वाला कट हो गया, सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर कट हो गया, प्लस जब आपका आइसक्रीम का स्कूप बाहर निकाल लिया आपने तो अंदर वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा हेमिस्फीयर की शेप में, तो वो जिस पोर्शन को आप टच कर सकते हो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी एडेड. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एल बाय जो 3.5 था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे उसकी जगह एल है. करो स्टार्ट, सेम क्वेश्चन है. Total surface area of remaining solid is 6a square minus circular portion plus curved surface area of this. That is 6a square plus pi r square. A is the length of this, that is L. Pi is same. Radius is L by 2 whole square. That is 6L square plus pi L square by 4.
Maybe the answer is in pi. Please check the answer. Is it in pi? If you take it 22 by 7, then it will be of no benefit because remaining terms are already in variable form. So no need to take LCM 24 L square, pi L square by 4. So you can take L square by 4 common, 24 plus pi. 24 plus pi. So that will be your answer. Question number 6. A medicine capsule is in the form of, is form A. The length of the capsule is 14 millimeter and the diameter is 5 millimeter. A medicine capsule is in the form of the cylinder with two hemispheres stuck to each. To each of its ends, the length of the capsule is given, diameter is given. Find the surface area of the capsule. Surface area means again the portion that you can touch. तो आप इस आपने देखा होगा कैप्सूल किस शेप में होता है. तो यहाँ पर जो इसके दो ये बाउंड्रीज है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो यू विल गेट स्फीयर. अगर दो हेमिस्फीयर को कंबाइन करते हो तो एक पूरा स्फीयर बन जाएगा. एक स्फीयर का आपने निकालना है और एक ये जो पोर्शन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच वो फाइंड करना है. तो डायमीटर कितना गिवन है 5 मिलीमीटर एंड रेडियस विल बी 5/2 मिलीमीटर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर जो इसमें सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट क्या होगी टोटल 14 में से इसका ये कितना है 5/2 इसका ये कितना है 5/2 इसमें से 14 में से 5/2 और 5/2 को दोनों को माइनस कर दो दैट इज 14 माइनस 5 दैट इज 9 सेंटीमीटर. तो हाइट जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन की आ गई 9. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर. एक हेमिस्फीयर का एरिया इंटू 2 मीन्स क्योंकि दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं. तो 2 पाई आर कॉमन एच प्लस 2 आर. आई हैव टेकन 2 पाई आर कॉमन 2 आर. पुट द वैल्यूज 22 बाय 7 रेडियस इज 5/2 हाइट इज 9 हियर यू विल पुट आर एज 5/2 कैंसिल ये आ गया 14. की कटिंग हो गई 110 अपॉन 7 इंटू 14 दैट इज 220 सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द टोटल कैप्सूल. I'm discussing next question, but question number 8 and 9 is same as we have done the cube question in which a scoop, hemispherical scoop is cut out. So question number 8 or 9 same type ka hai. Aap question number 8 homework mein kar lena. 9 we will discuss tomorrow.
क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 आई एम डिस्कसिंग. क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव गिवन अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ये टेंट गिवन है, सिलेंडर की शेप में है. सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप इफ द हाइट ऑफ एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन. इसकी हाइट 2.1 है और इसका डायमीटर 4 है. एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8. Find the area of the canvas used for making the tent and you have to find the cost of it also. So, as you know that tent, if you will make, that means you are covering the curved surface area. ठीक है, क्योंकि अंदर से जो आपने curved बाहर वाले portion से tent बनता है ना, उसको खाली space पे जाके लगा देते हैं. तो same way में एक इसका जिस जिस portion को आप touch कर सकते हो, तो बाहर वाला आएगा pi r l, cone का area. सिलेंडर का एरिया आएगा 2πRH, दैट यू विल एड. हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, डायमीटर गिवन है. डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर. इज इट इन सेंटीमीटर? नो, इट्स इन मीटर, सो राइट मीटर. एंड स्लांट हाइट इज 2.8. सो दीज आर द गिवन थिंग्स. नाउ एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस इज 2πRH प्लस πRL. यू कैन सॉल्व देम सेपरेटली एंड यू कैन पुट द वैल्यूज आफ्टर दैट. यू कैन एड देम, अदरवाइज यू कैन टेक कॉमन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू टेक. 22/7, रेडियस इज 2, हाइट इज 2.1 and slant height is 2.8. So this is 44/7. This is 4.2 plus 2.8. 44/7, that is 7. 7 will cancel out. Answer is 44 meter square is the area of the canvas required. Now, cost of canvas is 500 per meter square. That is 500 into 44, 22,000 rupees. Okay. Actually, in the question, it is written that base will not be included. बट इफ इट इज नॉट रिटन देन स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर इट कि जब आप टेंट लगाते हो तो इट इज नॉट कवर्ड फ्रॉम द बॉटम. ठीक है, बाहर वाले पोर्शन पे ही लगता है हमेशा. क्लियर? फिगर ऑफ, सो इन क्वेश्चन नंबर 8 एक सिलेंडर है, इसमें से आपने एक कोन कट किया है, एक कोन कट किया इस तरह से. जब ये कोन कट कर दिया तो ये ऐसे हो गया. अब किस पोर्शन को आप टच कर सकते हो? एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को टच कर सकते हो, एक बाहर से इस वाले के कर्व्ड सरफेस एरिया को टच कर सकते हो. सो यू विल टेक ओनली दैट पोर्शन. स्टार्ट इट, हरी अप करो सॉल्व ये. सॉलिड सिलेंडर गिवन है ना, तो आप इसमें क्या लोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRH, और जो बॉटम है सर्कुलर पोर्शन वो लोगे पाई आर स्क्वायर. एड ऑल दीज, एड ऑल दीज. इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, कोन का पाई आर एल, और बॉटम, क्योंकि इसने कहा ना सॉलिड है, सॉलिड मतलब नीचे से बेस उसका कवर है, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो टेक पाई आर कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 2h प्लस l प्लस r. नाउ पुट द वैल्यूज हियर, रेडियस, डायमीटर, हाइट, ऑल थिंग्स आर गिवन.